स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस वीडियो के अंदर फार्मा एकदम चैनल के अंदर। तो आज हम जानेंगे यूसरिन ट्यूब के बारे में कि ये जो एक्जिमा रिलीफ ट्यूब है खुजली के दौरान कैसे यूज किया जाता है इसे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा और जाने किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो खुजली आमतौर पर देखी जाती है घमोरिया, जो कि गर्मी के दौरान काफी बढ़ जाती है, जो कि पीठ के ऊपर आसानी से होती है क्योंकि वहाँ पे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो भी पसीना होता है काफी तरह से फैलना रहता है और वहाँ बैक्टीरिया आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं। बैक्टीरिया को एक तरह से जो एक न्यूट्रिएंट सही रहता है तो पसीने के द्वारा मिल जाता है और वो काफी तरह से फैल जाते हैं और वहाँ पे खुजली होना आसान सी बात हो जाती है। हम हमेशा गर्मी के दौरान काफी हर जगह बॉडी पार्ट्स में खुजाते हैं क्योंकि हमें हमें पता है कि जो पर्सनल हाइजीन है वो काफी तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही है क्योंकि सुबह सुबह आपको नहाने से लेके एंड तक सोते वक्त किस तरह से पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो इस दौरान पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना जो कि काफी बड़ा टास्क होता है हमारे रोजमर्रा जिंदगी में। तो हम भी जब नहाने जाते हैं तो अपने बालों को अच्छे तरह से धोएं क्योंकि वहाँ पे पसीने के कारण काफी बैक्टीरिया हो जाते हैं और डेंड्रफ होने के चांसेस भी बढ़ते हैं कभी बहुत सारे लोगों को। तो भी जब नहाने के बाद जो भी हमारे हाथ पैर हैं वहाँ पे जो भी जहाँ भी पसीने ज्यादा आता है वहाँ अच्छी तरह से धोएं और नाखून भी काटना ना भूलें और सब जगह जो किसी ब्रश करते टाइम भी अपने दांतों को भी अच्छी तरह से धोएं, ये भी पर्सनल हाइजीन का एक हिस्सा है। और जहाँ टॉयलेट भी जाते हैं तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं और इस तरह से अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। और अब जानेंगे कि ट्यूब को अच्छी तरह से कैसे यूज करें ताकि जहाँ पे भी खुजली हो रही हो वहाँ पे वो खुजली कैसे आसानी से चले जाए। जहाँ पे भी खुजली होती है वहाँ पे लाल होना आसान सी बात है क्योंकि खुजाने के बाद, और वो जहाँ पे भी खुजली होती है वो तरह पूरे लाल लाल हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में ट्यूब में से दवाई लें और वहाँ पे लगाए और पूरी तरह से रब करें, जेंटली प्रेस करें और अच्छी तरह से यूज करें। इस तरह से जहाँ पे खुजली हो रही है आप इस ट्यूब को दो बार लगा सकते हैं, एक दोपहर के दौरान और एक शाम के दौरान। दो बार इसको यूज करने पर जो खुजली है आसानी से एक या दो हफ्ते में जा सकती है, किसी किसी को जल्दी भी चले जाए और डिपेंड करता है खुजली कहाँ पे और कितने जगह ज्यादा जगह जगह पे फैली हुई है। तो और जैसे कि जानते हैं हम कि सारी दवाई का साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट है। वो देखिए रिएक्शन होना, एलर्जिक रिएक्शन, जो कि बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं जिसको किसी दवाई से बहुत एलर्जी रहती है, तो वहाँ पे जब भी एलर्जी होती है तो वहाँ पे खुजली और ज्यादा बढ़ जाती है कम होने के बजाय। तो इस दौरान डॉक्टर को वापस जाके दिखाएं कि हमें इस दवाई से साइड इफेक्ट हो रहे हैं। और स्क्रीन जो है हमारी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, एट्रोफी, वहाँ पे जाने की एट्रोफी मीन्स वहाँ पे स्किन एक तरह से खराब होने लगती है और वहाँ पे वो डिग्रेडेशन एक तरह से पूरी तरह से खराब हो जाती है और ब्रूजिंग में मोर इजिली ब्रूजिंग कैसे वहाँ पे वो जो त्वचा कमजोर होने के कारण वहाँ पे आसानी से चोट लगना आम बात हो जाती है और वहाँ पे जो स्किन भी बहुत लचीली हो जाती है, स्ट्रेस मार्क्स आ जाते हैं और जो भी कोलेजन फाइबर रहते हैं जो कि मसल्स को जो त्वचा को बनाए रखते हैं एकदम टाइट, वहाँ पे ढीले पड़ जाने के कारण स्ट्रेस मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। तो आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दवाई का साथ।